रचित मेरी आवाज आ रही है आपको? रचित आप सुन पा रहे हैं मुझे? रचित शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं आज। हर्षिता, अर्नेश सुन पा रहे हैं बेटा आप? रिधिमा सुन पा रहे हैं बेटा? देखिए आज हम तीन ही सवाल करेंगे, कोशिश करते हैं तीन सवालों की। ये तीनों सवाल अगर आ गए तो एक भी नहीं निकलेगा जैसे लास्ट टाइम उन्होंने किया था, क्योंकि हाँ दो दो तीन तीन बार लिख के करने पड़ेंगे बेटा, बता रहा हूँ। ये बड़ी तकलीफ होती है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो एक बार देखेंगे। अनेस, हर्षिता, रिधिमा, रिधिमा आवाज आ रही है? पहले क्वेश्चन 12 कर लेते हैं, हम घबराते हैं इन सवालों से। हैं पहले 14 करते हैं, वो सॉरी 12। कह रहा शो करना है एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कह रहा है कि मुश्किल है ना, राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। मतलब समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, लेंथ। एक कोन की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 4r/3 होगी, ये प्रूव करना है। इस एक कोन की जो लेंथ है वो 4r/3 होगी अगर उसका वॉल्यूम क्या करा हम लोगों ने, मैक्सिमम किया। और हमें क्या चीज गिवन है, वो जो कोन है वो किसके अंदर रखा हुआ है, स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। और स्फीयर की रेडियस कितनी है, नहीं स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड दोबारा कर लेते हैं। वो कह रहा है हमसे क्या, एक हमारे को क्या दे रखा है, स्फीयर। उस स्फीयर में क्या रखा हुआ है, स्फीयर में कोन रखा हुआ है, और इस कोन की जो लेंथ होगी, एल्टीट्यूड का मतलब इसकी लेंथ। लेंथ में क्या प्रूव करनी है, किसकी लेंथ कितनी होगी, 4r/3 होगी। और यहाँ पे r किसकी रेडियस है बेटा, हमारे पास इसके स्क्वायर की रेडियस है, मेरे पास स्मॉल r, मेरे पास स्क्वायर की क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ होगी, जो इसकी जो ये लेंथ का मतलब एल्टीट्यूड होगा कोन का, वो कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा, ये 4r/3। रिधिमा यहां तक बात समझ में आई आपको, स्फेयर की लेंथ नहीं होती, कोन की लेंथ है। अपने लैंग्वेज में इसको इंटरप्रेट कर पाएगी मैं कहूं, रिधिमा, रिधिमा जी बता पाएंगे आप क्या कह रहा है वो? हाँ जी रिधिमा, रिधिमा मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट कट के आ रही है, बाकी को भी आ रही है ऐसी? अर्नेश क्लियर आ रही है, तो तेरी तरफ से कोई इश्यू होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, हमारे को क्या दे रखा है, एक कौन दे रखा है, कौन किसके अंदर है, स्फेयर के अंदर है, और हमें स्फेयर की क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, स्फेयर की रेडियस ही होती केवल है ना। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो कोन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4r/3 हमें प्रूव करनी है, और उसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। किसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, कोन का। अब ये हमारे को दे रखा है, ये देखिए ये क्या है, स्फीयर की रेडियस है, ये आर है, ये भी स्फीयर की रेडियस है, ये भी क्या है, आर है, ये भी स्फीयर की रेडियस है, ये भी क्या है, आर है। मैंने इस वाली लेंथ को कितना मान लिया, ओ ए, जो छोटी सी लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स। तो मेरे पास इस कोन की हाइट कितनी आ जाएगी, क्या आर प्लस एक्स आएगा कि नहीं आएगी, किसकी लेंथ आ जाएगी ये मेरे पास, आर, क्योंकि ये मेरे पास पूरा का पूरा है, पूरी की पूरी मेरी कोन की लेंथ है, ये मेरे पास क्या है, आर के बराबर है, क्योंकि स्फीयर की रेडियस, और एक्स मेरे पास क्या है, ये मैंने डिस्टेंस को एक्स मान लिया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोन, कितनी होगी, एल्टीट्यूड कितना, आर प्लस एक्स। अब मुझे वॉल्यूम एक्स लेट कर लेते हैं, लेट करना पड़ेगा, लेट ओ इज इक्वल टू कितना मान लिया हम लोगों ने, एक्स मान लिया, ठीक है, बाकी तो रेडियस तो गिवन ही थी। अब मेरे को बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, मैंने आर स्क्वायर थोड़ा अलग ले लिया, यहाँ पे आर मैंने बड़ा ले लिया क्योंकि छोटा आर मुझे दे रखा था, हाँ क्योंकि मैं नहीं तो छोटा लेता, क्योंकि कौन छोटा है और स्क्वायर बड़ा है, लेकिन हमारे हाथ कटे हुए हैं यहाँ। अब मेरे पास आर किसके बराबर, यहाँ देखेंगे आर कितना है, आर का मतलब इसकी रेडियस कितनी आएगी, अगर ये आर है पूरा का पूरा, नहीं इसकी कैसे हो जाएगी, देखो इसकी इसकी आर तो ये है, कौन की आर, तो इसका नाम ओ ए, इसका नाम बी रख दिया मान लो, कौन की रेडियस कितनी है, कौन की रेडियस तो ये है ना, वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि ए बी मेरे पास क्या आएगी, ए बी का मतलब क्या है, ये
ये क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, कौन है, रेडियस ऑफ कौन कितनी होगी मेरे पास, अंडर रूट में कितनी आ जाएगी, जैसे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और मेरे पास हाइट कितनी है कौन की, आर प्लस एक्स है मेरे पास, कितना हो गया एक बार देखें, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है रिद्धिमा क्लियर आ रही है आवाज, कितना हो जाएगा अभी, वन अपॉन थ्री पाई आर, कितना रखूंगा मैं, ये कैपिटल आर था मेरे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी, आर प्लस एक्स आ जाएगी, हाइट आर प्लस एक्स आ जाएगी, हाइट ये क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं मिसलिनियस का, मैक्स और मिनिमा को कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी हम लोग, तीन चार सवाल रह गए थे वो रह कर लेते हैं, तीनों सवाल बहुत बढ़िया है, एक हमारे को क्या दे रखा है, एक एक स्क्वायर है, हैं करा तो हुआ ही होगा, हो सकता है पता नहीं किया नहीं किया, ये कौन दे रखा है हमारे को, कौन के अंदर एक क्या सॉरी एक स्क्वायर के अंदर कौन है, अच्छी बात है रटके गए तो रटने वाले ही हैं, वन अपॉन थ्री पाई कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस और आर प्लस एक्स, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा बेटा, डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा, डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा, अगर सर इन क्लास के बाद थोड़ा रुक जाना 20 मिनट तक, तू भी रुक जाना खाली, तू भी रुकना, और इतिश रुक जाएगा और नोबेश रुक जाएगा, तू भी रुक ही जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा पेपर गवर्नमेंट स्कूल वाला चेक कर रहा था, कुछ डिस्कस कर लेंगे 15-20 मिनट लगा लेंगे आराम से, ठीक है ना, नहीं नहीं सर नहीं, हाँ तो बना देते हो अभी, अरे ये आ गया, यहाँ पे स्मॉल आर को क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि स्क्वायर की रेडियस क्या थी हमारे को, गिवन थी, देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, आर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, आर कांस्टेंट है, आर का जीरो हो गया, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, निपुण वन हो जाएगा, फिर किसको रखा हम लोगों ने, आर प्लस एक्स को, हाँ मैं बता दूंगा, अभी पूरा चेक नहीं करा, अभी तो थोड़ा शुरू ही किया था, अभी बस लगा, अभी क्वेश्चन चेक किया, टेन का स्क्वायर, टेन का क्यूब कितना होता है, हजार वो सौ लिख के आ रही है, सौ ये आ गया, अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, आर प्लस एक्स कॉमन आ गया, एक सेकेंड, आर प्लस एक्स कॉमन ले लिया, आर प्लस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा अभी यहाँ पे, आर माइनस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस आर, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाय थ्री आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है रचित, आर कैन नॉट बी नेगेटिव, फंस गया कहीं, मैं आई प्रसिद्ध, चलिए कहाँ थे हम लोग, यहाँ तक आ गए हम लोग, अब क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, किसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, इसका कर लो सेकंड डेरिवेटिव, देखो मेरे को करने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता, वन अपॉन थ्री पाई तो कांस्टेंट हो गया, अब किसको रखेंगे हम लोग, आर प्लस एक्स को रखेंगे, आर माइनस थ्री एक्स का करोगे तो आर का जीरो, माइनस थ्री एक्स का माइनस थ्री, फिर आर माइनस थ्री एक्स को रख लो, आर प्लस एक्स का करोगे तो कितना आ गया, वन आ गया, कितना आ गया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, वन अपॉन थ्री पाई कांस्टेंट हो गया, माइनस थ्री आर माइनस थ्री एक्स प्लस आर माइनस थ्री एक्स, ये क्या हो गया, टू ये हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, वन अपॉन थ्री पाई ये हो गया माइनस फोर, माइनस कितना आ गया, माइनस सिक्स एक्स माइनस टू आर, और नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो अगर आर एक्स की वैल्यू डालेंगे जब आर बाई थ्री तो वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में ही आएगी, नेगेटिव में आने का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो, तो यानी क्या आ गया यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, यानी कि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कौन का,
मैक्सिमम प्रूव हो गया। हमें तो एटीट्यूड की वैल्यू निकालनी है, एटीट्यूड निकालना है ना, किसका एटीट्यूड निकालना है, कौन का एटीट्यूड किसके बराबर था, लिखा भी हुआ है, ये प्रूव करना है। एल किसके बराबर था, अगर आपको मालूम है हाइट कितनी थी उसकी, आर प्लस एक्स थी, और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास अभी अभी, आर बाय थ्री आई थी, माइनस आर तो लेंगे नहीं क्योंकि के नॉट भी नेगेटिव, तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4R/3 आ जाएगी। यही प्रूव करना था कि इसको एल्टीट्यूड कितना होगा, 4R/3 के बराबर। रचित जी क्लियर है? उससे पता लगता है डायरेक्ट डेरिवेटिव से, फॉर्मेलिटी होती है उसका, आंसर में कोई रोल नहीं होता, ये बताना पड़ता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो उसको नेगेटिव में ले आया करो, लेस देन जीरो, और मिनिमम करना हो तो पॉजिटिव में। आते हैं ऐसे याद नहीं है बेटा, चले आगे बेटा। क्लियर है आपको रिधिमा, अनेश? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो जरा 14, अगर आपको याद आ रहा हो, 13 अलग तरह का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, 13 पहले ही देख लेते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो बेटा ये वेंकटेश्वर के हाफ ईयरली के पेपर में आया था क्वेश्चन, याद आ रहा है रचित? आप याद कर पा रहे हैं? हाफ ईयरली में आया था सवाल ये, देखिए वो कह रहा है शो करना है हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका कि वॉल्यूम क्या करना है आपको, और दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए ऑफ रेडियस आर, और स्फीयर की रेडियस क्या दे रखी है हमारे को, कैपिटल आर दे रखी है। इस बार वो प्रूव करना है कि वो उसकी हाइट कितनी होगी, 2R/√3, और कह रहे मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ कितना होगा। तो अल्टीमेटली दोबारा समझे, इन्होंने क्या मांगा है हमसे, इन्होंने हमसे कहा है सिलेंडर की जो क्या होगी वैल्यू मैक्सिमम कर दो, और सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2R/ किसकी हाइट होगी, ये सिलेंडर की हाइट है। और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, कौन की हाइट पूछी थी, वो किसके बराबर थी, 4R/3 के बराबर। यहाँ पे किसकी हाइट पूछ ली इन्होंने, सिलेंडर की पूछ ली, वहां यहाँ सिलेंडर किसके अंदर है, उसी कौन के अंदर है, सॉरी मतलब स्फीयर के अंदर, स्फीयर में है, और हमें इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए। चलो एक मिनट के लिए, एक सेकेंड, हमने ये बनाया, ये क्या है हमारे पास एक, और स्फीयर में क्या रखा हुआ है, ये सिलेंडर है, और हमें क्या करना है हमारे को, अगर ये स्फीयर का है, ये है, ये भी रेडियस हो गई, हाँ यहाँ ये डायमीटर हो गया, मतलब ये कैपिटल आर है, तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर किसके बराबर था, किसकी रेडियस थी, वो स्फीयर की, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है,
को स्मॉल आर ले लो या कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग इसको। ये नीचे कैसे बन रहा है ऐसे है ना बेटा, ये ऐसे आएगा ना बेटा, ये ऐसे है ना, ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर स्क्वायर के अंदर है ना, तो सिलेंडर का ये सर्कुलर पोर्शन इधर आ रहा है, एक सर्कुलर पोर्शन इधर आ रहा है। हाँ सिलेंडर का रेडियस ये जो मैंने डार्क किया है वो सिलेंडर का रेडियस हुआ ना, ये सिलेंडर का रेडियस है ना, ये बड़ा आर है मेरे पास, इसको मैंने छोटा आर मान लिया, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं तो इसको मैंने छोटा आर मान लिया, अभी कर रहे हैं वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। और मुझे क्या करना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करना है, मैक्सिमम करना है। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता नहीं होता, किसका फॉर्मूला होता है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। लेट कर लेते हैं, लेट आर एंड एच बी द क्या रेडियस एंड हाइट है, लेट एच एंड आर बी द रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉन रेस्पेक्टिवली, यू गॉट इट बेसिकली, दिस इज। अब यहाँ काम करना शुरू करते हैं। देखिए मैं मेरा अपना तरीका क्या कहता है इसमें, अच्छा ये बताओगे जरा मुझे, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप देखना चाहो तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये छोटा टू आर है, ये बड़ा टू आर है, और ये क्या है, ये हाइट है। मैं अलग तरीके से करते हैं इसको, चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना हो जाएगा, इसका नाम ए बी और सी रख दिया मान लो हम लोगों ने, क्या हो गया इसका मतलब, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और कैपिटल आर हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। इसकी हाइट कितनी है, हाइट हमने एच मानी या नहीं है, हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पूछी गई हाइट ही तो पूछी थी उन्होंने, हाँ कितना आ जाएगा ये, अब आर कितना आ जाएगा बताओगे कोई मुझे बच्चा, ये हाइट तो हमने एच मानी थी यहाँ पे, कितना आ जाएगा, एसी कितना है मेरे पास, सॉरी टू आर का होल स्क्वायर, बीसी कितना है ए स्क्वायर, और ए बी कितना है, तो मेरे पास एच कितना आ जाएगा मेरे पास, फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर एच आ गया, फोर का बाहर टू निकाल लिया, टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, रिधिमा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई यार, अब क्या करें हम लोग यहाँ, दो दो तीन तीन बार सवाल करोगे तब होंगे बेटे। वॉल्यूम कैसे निकाले हम इसका, सर वॉल्यूम कैसे निकाले, हेल्प करोगे मेरी आप, पाई की जगह पाई आर कितना है, हाँ बोलो रिधिमा, वो भी लिख सकते हैं लेकिन बेटा बताना तो पड़ेगा ना आपको ट्रायंगल के थ्रू, थोड़ा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि ये वायर जैसे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। अच्छा अब आर कितना है बेटा हमारे पास, छोटा आर कितना है, आर स्क्वायर हो गया, एच की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, मेरे को लग रहा है फंसेगा मैं, थोड़ा गलत ट्रैक पे चला गया, मेरे कोई बात नहीं देखते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाँ क्या और भी जगह तरीके, लेकिन इस तरीके से करते हैं जरा एक बार। अच्छा अब क्या करें हम लोग यहाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ तो कितना आ जाएगा अभी ये डी बी बाई डी आर, टू पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर को रख दिया रूट एक्स का, और कितना हो गया इसका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का माइनस टू आर हो गया, और प्लस किसको रख दिया, और आर स्क्वायर का कितना हो गया टू आर हो गया, कितना आ गया अभी यहाँ देखें,
हेलो, नहीं बेटा नहीं आ पाऊंगा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप लोग एंजॉय करो बेटा, मैं क्लास में था अभी, है ना। हाँ चल ठीक है, एंजॉय कर। ठीक है, बोथ यू, वी ऑम एंड यू। ओके ओके, उनका बर्थडे आज, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दोनों एक साथ पार्टी कर रहे हैं। हाँ ये कितना आ गया बेटा, देखो यार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 2 पाई कितना बच गया बेटा, माइनस आर क्यूब अपॉन, ये कितना बच गया प्लस, ये 2 से 2 तो कट गया था, 2 आर था। एक काम करें, आर कॉमन निकाल लें बेटा हम लोग, कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर रह गया, कितना बच गया माइनस का आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस, मैंने मैंने आर कॉमन निकाला था ना, आर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अच्छा 2 बचेगा सही। अब रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे। हाँ वो करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, कितना आ गया, अब आप मेरी हेल्प कर रहे हैं बेटे, कितना आ गया, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस कितना 2, मेरी हेल्प करो भाई, आर स्क्वायर। अब इसको 0 पुट कर दें हम लोग, कितने जीरो हो चुका है, 0 करेंगे तो सारा सारा 0 हो गया, आर 0 हो नहीं सकता, ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, ये माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर इजिकल टू 0, कितना आ गया माइनस का 3 आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर इजिकल टू 0, छोटे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो जरा, आर कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 आर स्क्वायर इजिकल टू 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इजिकल टू 2/3 आर स्क्वायर, और आर इजिकल टू कितना आ गया, हाँ ये आया आर की वैल्यू, हाँ ये तो आर की वैल्यू आई ना, लेकिन हमें तो वो तो हाइट निकलवा रहा था ना, हाइट निकालेंगे अभी, सब्र करो ना अभी, तो ये तो आर आई है, आर क्या आई है, आर क्या थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर छोटा, ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल, मैंने निकाल रहा सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम था ना, हाँ मैक्सिमम वॉल्यूम था ना, बट ठीक है ठीक है, अच्छे यहाँ तक। अब क्या करें, निकालेंगे हम लोग डी स्क्वायर पर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी डी आर स्क्वायर निकालेंगे, लिख के छोड़ देंगे एट आर इजिकल टू कितना, 3 आर पे वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्या लिख देंगे यहाँ, मैक्सिमा वैल्यू होगी। एक एक स्टेप करके दिखा देना यार, आधा नंबर कटेगा, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ना, कर देना थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करके आगे दिखा देना इसको, हाँ उसी तो फंक्शन का तो करना था, और क्या करना था, तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है सवाल के अंदर ही, ये आ गया। लेकिन अभी मुझे क्या प्रूफ करना था, उसकी हाइट, हाइट किसके बराबर थी, मेरे पास एक रिलेशन आया था ना हाइट का, नहीं वो तो आर की वैल्यू आ गई थी ना, ये हाइट किसके बराबर, पाइथागोरस थ्योरम में आया था, क्या रिलेशन आया था वो, क्या 2√ बड़ा आर, ये था छोटा आर का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर था, ये हाइट थी। अब इसे हाइट निकाल लेते हैं हम लोग, हाइट कितनी आ जाएगी देखो जरा, 2 और ये आर स्क्वायर तो है ही, छोटे आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, माइनस को ऐसे लिख दूं मैं, 2 आर स्क्वायर/3 लिख दूं मैं, इसका स्क्वायर करूंगा तो ऐसे देखते हो तुम यार, ठीक है जी, कितना आएगा ये, 2 बाहर था, ये आर स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, ये 2 आर स्क्वायर/3 एलसीएम ले लो, 3 आर स्क्वायर माइनस कितना आ गया, ये
आर स्क्वायर बाय थ्री, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू तो बाहर था ही है, नहीं टू आर बाय रूट थ्री कितना था देखना जरा, यही था। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, उसको वॉल्यूम भी चाहिए इसका। क्या एक्स लेके भी कर सकते थे, तो आपसे वहां एक्स भी हो जाएगा, लेकिन मुझे ना ये मैं एक्स लेके करता था, मुझे आज इस तरीके से करने का मन था, पर ठीक आंसर तो ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लग रही है ना बेटा, आंसर सही माना चाहिए फिर। जर्नी इज इम्पोर्टेंट बट समटाइम डेस्टिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे चलिए जरा, अब वॉल्यूम कैसे निकाले इसका हम लोग, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह छोटा आर कितना आया था हमारा, अभी छोटा आर कितना आया था, हाँ ये आया था रूट टू बाय थ्री आर का होल स्क्वायर, और एच कितना आया अभी निकाला ही है, बाय रूट थ्री, कितना हो जाएगा ये पाई, ये हो गया टू अपॉन थ्री आर स्क्वायर इंटू टू आर अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर बाय नाइन क्यों आ रहा है ये, नहीं ये रूट थ्री था, ये तो थ्री कैसे बना दिया मैंने इसको, ये आ गया कितना आ जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री, चेक करते हैं यही आ रहा है, हाँ अच्छा एक देखो आर क्यूब आएगा वही क्यूब है, हाँ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ ना होता है यार, हाँ जी बेटा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मोस्ट मेरे को फिर ये डिफिकल्ट लगता है अगला सवाल, हाँ चलिए चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ जरा, ये देखिए पंद्रहवा सवाल देखिए, पंद्रह सवाल भी देख लीजिए एक बार, एक बार देख लो यार, कोई बात नहीं थोड़ा गंदा है आई नो, अभी कह रहा हाइट बता रहा है, कह रहा हाइट हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ये उस सिलेंडर की हाइट निकालवाना चाहता है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है, और सिलेंडर की हाइट कितनी होगी विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, हमें राइट सर्कुलर जो कोन है उसकी क्या दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है, और क्या दे रखा है उसका सेमी वर्टिकल एंगल इज वन थर्ड ऑफ डेट ऑफ द कोन एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, आप में से कौन बच्चा बताएगा वन थर्ड क्या है, जो सिलेंडर की जो हाइट है किसका वन थर्ड है, यस कौन की हाइट का वन थर्ड है, किसकी हाइट सिलेंडर की हाइट, हमें क्या प्रूफ करना है,
हमें ये प्रूव करना है सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कॉन की हाइट का 1/3 होगी, और ये भी प्रूव करना है कि इसका वॉल्यूम सिलेंडर का ये होगा, और हमें गिवन क्या है सिलेंडर की कॉन की हाइट और सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है। किसका सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है आपको? कॉन का। नहीं समझ में आया? अभी दोबारा करते हैं। देखो ये क्या हमारे पास, ये कौन है और इस कौन में कौन है? एक बार दोबारा समझते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, एक बार दोबारा सवाल को पढ़ लें। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पहले बताओ? अच्छा एक मिनट के लिए, ये सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है आपको? अल्फा। और उन्होंने क्या दिया हमारे को, किसकी हाइट दे रखी थी उन्होंने? हाइट किसकी दे रखी थी? कौन की थी ना हाइट? वो हमने एच मान ली। और सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? नहीं, एच बाई थ्री एफ ना अपने आप ही। नहीं हाँ नहीं, वो तो प्रूफ पढ़ना है भाई। हाँ ये मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ये एक्स क्या मानी मैंने एक तरह से? क्या है ये, किसकी रेडियस है ये? ए बी और सी लेट कर लेते हैं। एक्स बी दा हाँ रेडियस ऑफ क्या है बी क्यों एक्स में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? अच्छा बड़ा ट्रायंगल हटा दो, लो कुछ और ले लेते हैं उसको, इसको डी और ही ले लेते हैं। ठीक है अच्छा एक मिनट के लिए लेट कर ली एक्स विद द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस एक्स है। अच्छा आपने एक थ्योरम पढ़ी है ये? हाँ ये देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी आपके पास। ट्रायंगल एबीसी में आपको मालूम है हमेशा थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? बिल्कुल गलत बोल रहा है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, पता है आपको? नहीं पता। और उसके एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होती है? बेस। और ये साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। कोई भी ट्रायंगल होता है उसमें थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड क्या होती है? बेस। और ये क्या होती है? मुझे सिलेंडर की और मुझे यहाँ सिलेंडर की हाइट चाहिए। अगर मैं सिलेंडर की हाइट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखिए ये पूरा मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, क्यों बताएगा मुझे बच्चा? एच आ रही है। और अगर मेरे को ये वैल्यू पता लग जाए तो मैं टोटल हाइट में अगर ये वैल्यू माइनस कर दूंगा ए बी, तो मेरे पास किसकी हाइट आ जाएगी? मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो मैं ए बी निकाल लूँ यहाँ से। ए बी कैसे निकलेगा आपको मालूम है? ए बी क्या है? बेस है। अगर ए बी निकालना हो ए बी अपॉन, और आपको क्या मालूम है? बी सी मालूम है। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास मामला होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर ए बी को देखे तो ए बी किसका काम कर रही है यहाँ पे मेरे लिए? बेस का काम कर रही है। और बी सी किसका काम कर रही है? परपेंडिकुलर का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है। तो क्या लिखेंगे इसको? इक्वल टू कॉट अल्फा हो गया। तो मेरे पास जो ए बी आया है ए बी इक्वल टू क्या, और बी सी किसके बराबर था? एक्स के बराबर है मुझे मालूम है। तो मेरा क्या आ जाएगा? एक्स कॉट अल्फा नहीं आ जाएगा ये? तो मेरे पास ए बी आ गया मेरे पास। तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई यहाँ पे? सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच मान लिया, तो कितनी आ गई? एच माइनस एक्स कॉट अल्फा ही नहीं आई, सिलेंडर की हाइट आ गई मेरे पास। अब मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ आगे। कैसे? मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? कितना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? क्या होता है? पाई एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स लगेगा ना, मतलब आर भी लगा सकते हो, छोटा आर भी लगा लो चाहे लगानी है तो, एक्स स्क्वायर। और ये कैपिटल एच, कैपिटल एच मैंने क्या मानी थी?
नहीं स्मॉल एच तो मेरे पास कौन सी हाइट है ना भाई, कैपिटल एच मेरे पास किसकी हाइट है, सिलेंडर की है, तो कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अब कितनी आएगी पाई एक्स स्क्वायर, कितनी आएगी एक्स माइनस अल्फा। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा, अल्फा नहीं मल्टीप्लाई करा लो ना, कॉमन का मतलब ये कहना चाह रहे हैं पाई एक्स स्क्वायर एक्स, नहीं मल्टी मतलब नहीं, इससे क्या निकालते हैं हम लोग, अब अल्फा तो गिवन था कांस्टेंट है वो, तो डी बी वाई क्या निकाल लेते हैं हम लोग, अब डी एक्स निकालो जरा, पाई कांस्टेंट हो गया, वैसे पता क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लो, सही बोलो मल्टीप्लाई करा लो, वी कितना आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा करो पाई को रहने दो बाहर, एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा, ये क्या आ जाएगा डी बी बाय डी एक्स, कितना आ गया पाई एक्स स्क्वायर एच का कितना हो जाएगा, एच हमारे को एच हमें गिवन था, कितना आ जाएगा टू एच एक्स आ गया माइनस एक्स कॉट अल्फा कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कितना हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, इसको जीरो पुट कर देते हैं, रचित जी बात समझ रहे हैं आप, अनेश यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आई बात आपको, अब इसको जीरो पुट कर लेते हैं, कितना आएगा ये, यहां से एक्स कॉमन निकाल लो बेटा, एक्स कॉमन निकाल लो, कितना आएगा टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा इजिकल टू जीरो, अब एक्स इजिकल टू जीरो हो नहीं सकता, तो यानी कितना आ गया टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा इजिकल टू जीरो, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा, टू एच इजिकल टू थ्री एक्स कॉट अल्फा आ गया, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई टू एच अपॉन थ्री कॉट अल्फा, एक बार एक्स वैल्यू कितनी आ गई दोबारा बताना, टू एच अपॉन थ्री कॉट अल्फा, मैं इसको लिख दूँ एक्स इजिकल टू टू एच टेन अल्फा अपॉन थ्री लिख दूँ मैं, क्यों आंसर में टेन आ रहा था ना, मैंने वन अपॉन कॉट को टेन लिख दिया मैंने, ये मेरे पास एक्स आ गया, तो यहाँ तक कॉपी कर लो, अब वो फॉर्मेलिटी कर देंगे हम लोग, यहां तक क्लियर है रचित आपको, रचित जी क्लियर है यहां तक, अनेश गुप्ता जी ये देखो यहां तक पहुंच गए थे आप, मैं बताता हूँ यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक तो आ गए थे नहीं आए थे, चलते हैं फिर आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, कैसे करें इसको अब जरा, यहां से सर कह रहे हैं कि ये एक्स कॉमन निकाल लो, आप कितना बचेगा टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा बचेगा, अब या तो ये जीरो या ये जीरो, टू एच माइनस थ्री एक्स कॉट अल्फा जीरो हो गया, टू एच इजिकल टू कितना आ गया थ्री एक्स कॉट अल्फा आ गया, एक्स इजिकल टू कितना आ गया, मैं एक्स को ऐसे लिख दूं मैं अर्नेश मॉडर्न गवर्नमेंट, यहां तक आ गया, अब क्या निकालेंगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे किस पे, एट एक्स इजिकल टू टू एच बाई थ्री, क्या करना था मैक्सिमम करना पहले, हाँ तो किस पे निकालना था, ये मैक्सिमम करना था ना यार, ये लेस देन जीरो आ जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ मैक्सिमम आ गया, ये प्रूव हो गया, अच्छा ये प्रूव हो गया, लेकिन अभी मैंने वो काम नहीं प्रूव नहीं किया जो मैं करना था, क्या वॉल्यूम तो निकालना ही है, इन्होंने कहा है कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो कौन की हाइट का एक तिहाई है,
वो तो काम कर ले अभी जरा, सिलेंडर की हाइट निकालते हैं। सिलेंडर की हाइट कितनी थी? ये तो थी, क्या थी सिलेंडर की हाइट? इक्वल टू एच माइनस एक्स क्वाड अल्फा। तो यहाँ पे एक्स ही क्या पुट करते हैं हम लोग, अब वैल्यू एक्स की कितनी आई है, ये 2h बाई 3 टेन अल्फा आई है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है रचित, तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल एच किसके बराबर है, एच माइनस एक्स क्वाड अल्फा है सर जी। अब मैं एक्स की क्या पुट करूं इतेश, कितनी वैल्यू है एक्स की मेरे पास, एक बार दोबारा बोल पाएंगे आप, 2h बाई 3 अल्फा इंटू में क्या है ये फिर कॉट अल्फा, और आपको मालूम है टेन अल्फा और कॉट अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा कितना h माइनस 2h बाई 3, तो h माइनस 2h बाई 3 कितना आता है, h बाई 3 आ गया। इसका मतलब सवाल हमसे क्या चाहता था कि कौन प्रूव हो, वो कौन, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, कौन की हाइट का कितना है, वन डर आ गया। लेकिन सर दिल्ली दूर है अभी भी, अच्छा आता हूँ, तब तक हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, क्या था बेटा, आर स्क्वायर एच ही तो माना था हम लोगों ने। हाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, आर कितना है मेरे पास बताओ जरा, यहाँ रेडियस कितनी थी, ये यही तो सिलेंडर की वॉल्यूम था यार, सिलेंडर का वॉल्यूम ये नहीं था क्या, आर कितना है हमारे पास, अब कैपिटल आर कितना है, कौन बताएगा, सिलेंडर की हाइट तो पता लग गई आपको, हमें वॉल्यूम निकालना है ना बेटा, नीचे क्यों नहीं, अच्छा अच्छा यहाँ आ जाते हैं हम लोग। चलो सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर का वॉल्यूम ये नहीं था, पाई आर एक्स स्क्वायर है, पाई एक्स स्क्वायर एच बताइए, आया नहीं था, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया, पाई एक्स स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप, कितनी बार बार एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी थी बताओ, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी थी, हाँ तो वैसे कितनी थी, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा नहीं थी मेरे पास, तो देखो किस फॉर्म में आंसर दे रखा मुझे नहीं मालूम। और एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो ना बेटा, किस फॉर्म में चाहिए इनको आंसर, देखो इनको आंसर चाहिए एच की फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बताओ ना यार, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2h tan अल्फा 3 पुट करो यहाँ पे, कितना आएगा, पाई 2h tan अल्फा अपॉन 3 का क्या करेंगे यहाँ पे हम, होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, h की वैल्यू कितनी आई थी, h ये तो h बाई 3 आई रहा था हमारे पास, ये तो h मल्टीप्लाई करा लो उसको, कितना आएगा, पाई 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 9 इंटू एच बाई 3 कितना आ जाएगा, पाई 4 पाई अपॉन 27 एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, हमें आंसर एच की फॉर्म में चाहिए ना बेटा, तो मैंने हाइट को तो फिर एच बाई 3 पुट कर दिया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने एच की फॉर्म में, आंसर एच की फॉर्म में यही आंसर आ रहा है, बच्चे समझ में आई बात मेरी सर। हाँ वो वाला करेंगे, वो एलिप्स वाला, वो एग्जाम में नहीं आएगा, उसकी जगह मैं दूसरा वाला कराऊंगा, लेफ्ट का जो एग्जाम में आता है। हाँ नहीं 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 वो अलग, बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसी बार, उसके बाद उसी सवाल पे आएंगे डायरेक्ट, ये शायद नहीं आया, रिधिमा कॉपी कर लिया, कुछ कुछ पल्ले पढ़ाए,
पर देखो आपने अलग तरीके से सीखा है, देखो बड़े बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आपका आंसर आ गया ना, ये देखो बस आंसर आना चाहिए। आ गया नहीं आया आंसर, ये बता। गया चलो फिर आ गया, आंसर आना चाहिए। अच्छा एक सवाल और करेंगे हम लोग, वो वाला नहीं आएगा, उसका एनसीईआरटी वाला नहीं आएगा। देखना यहाँ पे प्री बोर्ड है, वेंकटेश्वर का देखना जरा, फर्स्ट प्री बोर्ड नजर आ रहा है कहीं पे किसी को? डीपीएस द्वारका प्री बोर्ड वन ही हो सकता है, ये हो सकता है। देखो जरा, हाँ मिल गया, नहीं, सेकंड प्री बोर्ड में था फिर ये, नहीं यहाँ नहीं था बेटे, सेकंड प्री बोर्ड में इस बार वो आया था ना पैराबोला वाला, आया था ना हमारा वो सर एलिप्स वाला, देखना सेकंड प्री बोर्ड है यहाँ, प्री बोर्ड वन, प्री बोर्ड वन, प्री बोर्ड वन, ये सही है। हाँ ये मिल गया, ये वाला कराना है। देखो ये देखो जरा एक बार, हाँ उसमें भी यही तो आता है एग्जाम में, वो वाला नहीं आता। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन एन रेक्टेंगुलर स्पोर्ट्स फील्ड अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ये हमारे को एक एलिप्स दे रखा है, इसके इससे क्या बनाना चाहते हैं? एक सॉकर का ग्राउंड बनाना चाहते हैं, और सॉकर के ग्राउंड आपको मालूम है स्क्वायर शेप में होता है। नहीं, पर वो तो वही बनेगा ना, थोड़े वांट टू रेक्टेंगुलर सॉकर, वो रेक्टेंगुलर बनाएंगे ना उसको, मतलब उसे बाकी पोर्शन छोड़ देंगे हम लोग। और स्पोर्ट्स की फील्ड है, क्या है स्पोर्ट्स जो फील्ड है वो क्या है? एलिप्स की फॉर्म में है, उस समय क्या बनाना है? एक सॉकर का ग्राउंड बनाना है। क्या चाहता है वो? लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 2x एंड 2y रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। एरिया निकालना है हमारे को, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, वही एक्स क्यूब निकालनी है। फिर कहता है यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y दैट मैक्सिमाइज द एरिया, और या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। हम कौन सा यूज करेंगे टेस्ट? सेकेंड डेरिवेटिव। मेरी हेल्प करोगे सब लोग? चलिए ये बताइए, ये हमारे को इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है? ये इलिप्स दे रखा है हमारे को, तो हमारे पास इन्होंने लेंथ कितनी बताई है? सॉकर का जो ग्राउंड बनेगा उसमें कौन बच्चा बताएगा? सॉकर का जो ग्राउंड बना रहे हैं उसकी लेंथ कितनी कितनी है? 2x 2y, तो एरिया कितना होगा उसका हमारे पास? 2x एंड 2y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो भी बना रहे हैं। वेरी गुड, 4xy, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। फिर प्रॉब्लम आती है किसकी? भाई की आती है, भाई कहां से लाऊं? भाई यहां से लाऊं, इक्वल टू वन। ठीक है रचित, कहां लिखा झूठ? नहीं सही हुआ था मेरा एग्जाम में, गलत था ये। अच्छा, आपने सेकंड रिपोर्ट दिया नहीं था ना आपने? अच्छा भाई की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी भाई की वैल्यू? कौन बच्चा बताएगा भाई की वैल्यू यहां से? ये हो गया, ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन में भी कराया यार ये काम तो। बी बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गुप्ता जी, अनेज गुप्ता जी, यही वैल्यू आ रही है? ये कितना हो जाएगा एरिया मेरे पास? वाई की वैल्यू कितनी आई है? बी अपॉन ए अंडर रूट में, ये आ गया। नोबे जी समझ पा रहे हैं आप?
फोर बी बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया। अब इन दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स को रखो रूट एक्स कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है ना, ए और बी तो कॉन्स्टेंट हो गए ना वहाँ। तो वन हो गया, ये टू से टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस का, इनको फंक्शन चाहिए था, फंक्शन तो बन के आ गया था हमारा स्टार्टिंग में। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं पहले, वेरी गुड, इसको जीरो पुट करेंगे हम लोग, अब नीचे वाला सारा जीरो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू आ जाएगी। अब फिर वही सेकंड डेरिवेटिव करके दिखाना पड़ेगा हमारे को, तो थर्ड का सेकंड, दो टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने कराया नहीं है आपको, सेकंड ही कराया, सेकंड ही करेंगे अभी भी हम लोग। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्या था बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा ये, बड़े शरारत नहीं, ये किस में आ रहा होगा आपका, लेस देन जीरो आ रहा होगा, तो क्या आ जाएगा ये मैक्सिमम आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये क्रिटिकल पॉइंट भी निकल के आ गया, और फिर शायद मैक्सिमम वॉल्यूम वो भी मांगा है, शायद मैक्सिमम एरिया मांगा है क्या, देखते हैं, सवाल हाँ मतलब कर दूं मैं, सचिन ने वो मांगा है क्या, क्या नाम है, लेंथ का वो सॉरी सॉकर का जो ग्राउंड है उसका एरिया भी मांगा है क्या उन्होंने मैक्सिमम, नहीं फाइंड द लेंथ 2x एंड 2y नहीं मांगा, लेंथ और विड्थ मांगी है, तो लेंथ और विड्थ कितनी कितनी होगी कौन बताएगा, अगर x हमारे पास a बाय रूट 2 है तो y कितना आएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, किसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पुट कर लेते हैं x में, x कितना है पता है क्या आएगा, मुझे पता है क्या लग रहा है, y की वैल्यू कितनी आएगी, b बाय रूट 2 आएगी शायद, रचित यहाँ डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, b बाय रूट 2, लेकिन सॉकर ग्राउंड की लेंथ कितनी होगी को बताएगा, वो x और y नहीं थी, वो 2x और 2y थी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ रूट 2 भी, रूट 2 है और रूट 2 भी हो जाएगी, समझ आया नहीं आया, ये वाला सवाल आने वाला बेटा, अब देखो मैक्सिमम मिनिमम में बहुत टाइम लगा लिया हम लोगों ने, बताओ 13-14 सवाल जरूर करे लेकिन टाइम लगा, हाँ मैं ले रहा हूँ डाउट से पहले मैं इनका पेपर चेक करूँगा तुम्हारा, बैठ के नहीं अभी, अभी बैठ के नहीं, वैसे तो आपने गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर तो दिया नहीं था आपने बेटा, हाँ वो बहुत प्यारा सवाल था, और उसका 21वां सवाल बोर्ड में आएगा देख लेना चाहे, जिसमें ग्राफ बना, हाँ जिसमें मैं, हाँ ठीक है बेटा क्लियर है, चलिए मैं चेक करता हूँ उसको क्या, हाँ वो अलग है, वो क्वेश्चन ही अलग है, वो वन एंड एट द मेजर अक्षर है, कहीं मैं सॉल्यूशन भेजूंगा बहुत गंदा है, तेरे मतलब का है क्योंकि बच्चे तो वैसे पागल हो जाएंगे, चलो ठीक है बेटा ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय दिया है तुमने क्या, दुश्मन थोड़ा सा चेक करने की शुरुआत कर दी थी मैंने, चला जा रहा था।
कितने लिखे था वो पेपर? पेपर तो घर से कटा होगा, नाम जी का नहीं मतलब।